Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज जो है हमारे चैनल पर 1500 लोग जुड़ चुके हैं और आप लोग जो है एक बार और थोड़ा सा जोर लगाइए और 1500 लोगों को और जोड़िए, ठीक। और आपको जो है लगातार मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर दूंगा। आप लोग जो प्रेम और स्नेह बनाए हैं और जिस उद्देश्य से आप हमसे जुड़े हैं वो उद्देश्य आपको जरूर मिलेगा। और इसके लिए जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि आपका था अम्ल, क्षार और लवण। तो हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हमने अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा हमने बता दी थी। अम्ल में हमने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार में हमने बताया था कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। यह आपका आर्हेनियस के सिद्धांत पर आधारित था परिभाषा। तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, जो जिनको नहीं पता है वो भी आ जाए। तो हेलो मोहित, पंकज, आशीष, दिलीप, गुड मॉर्निंग, अंकित, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर आज हम लोग जो है आगे चर्चा करते हैं, ठीक। अब कुछ समझ लीजिए, जैसे प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से अम्ल होते हैं जो आपको प्रकृति में मौजूद मिलते हैं। तो देखिए, जैसे संतरा और नींबू आप खाते होंगे, संतरा और नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। किसमें? संतरा और नींबू में आपका साइट्रिक कहीं लिखा रहता है और कहीं सिट्रिक लिखा रहता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह अगर टमाटर की बात करें आप, तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। वही उसी तरह अगर सिरका आप लोग खाते होंगे, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हेलो पंकज, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं सिरके की। तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो ये कुछ है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक। वहीं अगर इमली की बात करें तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। किसमें? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। तो हमने जो है कल यानी कि पिछले वीडियो में ये बताया था कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लवण क्या है। भाई चूंकि नाम है आपकी प्रश्नावली का अम्ल, क्षार और लवण, तो अम्ल और क्षार हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ते हैं लवण के बारे में, ठीक। तो देखिए, अम्ल और क्षार समझिएगा, अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण से प्राप्त पदार्थ, अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ लवण कहलाता है। परिभाषा को लिख लीजिए, अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण से प्राप्त पदार्थ लवण कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे अम्ल, कोई भी एक अम्ल आप ले लीजिए, HCl हमने ले लिया। मैंने अम्ल में बताया था कि HCl आपका अम्ल है, H2SO4 आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, HCl सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अगर H आगे लग जाए
रहेगा तो वो आपका अम्ल बन जाएगा। तो किसी भी अम्ल में, तो ये आपका क्या है, ये आपका अम्ल है, और इसमें जब आप क्षार मिलाएंगे अर्थात NaOH, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार से जो रिएक्शन होती है अर्थात अम्ल और क्षार से जो आपके पदार्थ बनते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके लवण कहलाएंगे। तो जैसे देखिए बनेगा कैसे, क्योंकि अम्ल और क्षार को हम मिला रहे हैं, अगर आपको कहीं पर OH दिख रहा हो, कहीं पर H दिख रहा हो, तो याद रखिएगा ये यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा और ये दोनों मिलकर बनाएंगे H2O अर्थात पानी। अगर आपका यच और ओयच दिख रहा है तो याद रखिएगा H2O यानी पानी बनता है। अगर आपको कहीं O और C दिख रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 बनती है। जब जिस तरह आपको रिएक्शन मिलती जाएगी उस तरह मैं उसको समझाता जाऊंगा। तो जैसे यहां पे देखेंगे तो देखिए यहां से यच निकला और यहां से ओयच निकल गया और बना क्या लिया, H2O बना लिया। बचा क्या हमारे पास, Na बचा और Cl बचा, यानी कि NaCl यही है आपका लवण। तो अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो हमको प्राप्त होता है वो आपका लवण प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण मैं और दे दूं, एक उदाहरण अगर और दे दें तो H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 प्लस KOH ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार हो गया। तो अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो अभी बताया कि सबसे पहली चीज तो जल बनेगा आपका। अम्ल और क्षार को अगर आप मिलाते हैं तो आपका जल बनेगा, जल आप निकाल दीजिए अर्थात H2O निकाल दीजिए। इसके बाद देखिए बचता क्या है आपका, यहाँ पे 2H था, 1H आपने निकाल दिया, यहाँ OH था, OH आपने निकाल दिया, तो देखिए यहाँ पे K बचा और यहाँ पे SO4 बचा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, तो K2SO4 प्लस H2O। तो देख रहे हैं यहाँ 1H है, यहाँ 2H है और 2 × 1 = 3H हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं आपके पास 2H है, ठीक। ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 1 है ऑक्सीजन यानी कि पूरा है। तो देखिए इसको संतुलित अगर करना होगा तो संतुलित जो है कैसे करेंगे उसको हम बाद में देखेंगे, अभी केवल हम ये देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार को जोड़कर लवण कैसे बनाया जाता है। तो अगर मैं इसको संतुलित करूं तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करूंगा कि भाई यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे H2 है, अर्थात यहाँ पे अगर हम 2 लिख देंगे तो 2 × 4 H हमारे पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल 2H है अर्थात यहाँ भी आगे 2 लिख देंगे। तब देख क्या रहे हैं, 2H यहाँ हो गया, 2H यहाँ यानी 4H हो गया, यहाँ भी आपके पास 4H हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 4 × 2 = 6 हो गया, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ 4 × 2 = 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आपका पूरा हो गया। पोटेशियम की बात करें तो K देखिए यहाँ 2 है, K यहाँ भी 2 हो गया, अर्थात रिएक्शन आपकी क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो ये है आपका, देखिए ये आपका क्या था, अम्ल था, ये आपका क्षार था और ये आपका लवण था। तो अम्ल और क्षार को जब भी आप मिलाएंगे तो आपको जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक। तो हमने अभी तक जो है तीनों चीजों के बारे में जान लिया कि क्या है अम्ल, क्या है क्षार, क्या है लवण। अब हम एक एक के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल के भौतिक गुण क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्षार क्या है, क्षार के भौतिक गुण क्या है और क्षार के रासायनिक गुण क्या है, ठीक। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं इसके आगे का, देखते हैं अम्ल क्या है। अम्ल में हमने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आपका प्राकृतिक अम्ल हो जाएगा, ठीक, एक आपका प्राकृतिक अम्ल हो जाएगा और एक आपका खनिज अम्ल हो जाएगा। प्राकृतिक अम्ल का मतलब यह हुआ कि जो प्रकृति से प्राप्त हो, समझिएगा अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल, और दूसरा आपका हो जाएगा खनिज अम्ल, ठीक। दूसरा आपका क्या हो जाएगा,
खनिज हाँ ठीक, तो एक आपका जो है प्राकृतिक अम्ल हो जाएगा, एक आपका खनिज अम्ल हो जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग ऋषभ, आशीष, दिलीप, पंकज, तो आप लोग जो है इसको एक बार और शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी हमसे जुड़ जाए। ठीक, तो देखिए हम लोग जो है मुकेश सर समझ में आ रहा है, थैंक यू मुकेश, तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी से शेयर कर दिया कीजिए, और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग इसको शेयर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ठीक, तो चलिए तो देखते हैं प्राकृतिक अम्ल में, तो देखिए प्राकृतिक अम्ल अर्थात वे अम्ल जो जंतुओं तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वे अम्ल जो जंतुओं तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो आपके कौन से अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक, तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि वे अम्ल जो पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि वे अम्ल जो पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, और जो चीज प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है ना वो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक, जो प्रकृति से अम्ल प्राप्त होते हैं वो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं, और जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो आपके जो है प्रबल अम्ल होते हैं। तो इसमें आगे लिखेंगे कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं अतः ये दुर्बल अम्ल होते हैं, अतः ये दुर्बल अम्ल होते हैं। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, बताइए कि परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं, मैं देख रहा हूं। ठीक, सर समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आप जैसे पूछ लिया जाए कि सर कौन कौन सा अम्ल है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, तो जैसे इमली में जो प्राप्त होता है, टमाटर में जो प्राप्त होता है, ये सब आपका जो है, देखिए हमने क्या बताया, टमाटर में आपका आर्जेलिक अम्ल मिलेगा, आर्जेलिक अम्ल, देखिए ये भी दुर्बल अम्ल है आपका। फिर उसी तरह अगर आप इमली की बात करेंगे तो इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा। ठीक, तो ये भी आपका दुर्बल अम्ल है। तो जो प्रकृति से मिलेगा अर्थात पेड़ पौधों से मिलेगा वो आपका जो है दुर्बल अम्ल होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर खनिज अम्ल जो होते हैं ये खनिज अम्ल क्या है। तो इसमें तो हमने बताया प्राकृतिक अम्ल में हमने बताया कि वे अम्ल जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, और खनिज अम्ल में हो जाएगा जो अम्ल पृथ्वी के खनिज से बनाए जाते हैं, पृथ्वी से खनिज निकाला जाता है और उससे जो अम्ल बनाया जाता है उसे खनिज अम्ल कहते हैं, मतलब जो अम्ल पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। क्या बताया हमने कि वे अम्ल जो कहां से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं, मतलब पृथ्वी से जो खनिज पदार्थ निकलता है वहां से जो मिलते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहते हैं खनिज अम्ल। और ये ऐसे नहीं बन जाता, इन्हें प्रयोगशाला या फैक्ट्री में बनाया जाता है। भाई अब पृथ्वी से अगर निकाला जा रहा है, खनिज पदार्थों से निकाला जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि खनिज पदार्थ में बना बनाया रखा है उसको निकाल दिए वो आपका अम्ल हो गया। इसको पहले खनिज जो होते हैं उनको प्रयोगशाला में ले जाया जाएगा, वहां पे उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, उसके बाद बनाया जाता है। तो चूंकि देखिए इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, मतलब मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं।
जो आपकी प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसको तो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देगा। जैसे नींबू भी तो है आपका, नींबू में भी जो है आपका अम्ल ही पाया जाता है, लेकिन नींबू आप पीते हैं। तो जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है उसको आप खा सकते हैं, उसको आप पी सकते हैं, आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको नुकसान मिलता है उसका। तो जैसे क्या दिख रहे हैं कि जो अम्ल पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। इनको इनको प्रयोगशाला या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक। और ये मनुष्य के शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं। मतलब कि जो आपके खनिज अम्ल होते हैं ये मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम इसके बाद अब पढ़ते हैं गुण, ठीक। क्या पढ़ेंगे? अम्लों के हमने भौतिक गुण पढ़ लिया। भौतिक गुण में क्या पढ़ा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जलीय व्यंजन में घुल जाते हैं, अम्ल जो है आपके लवण के साथ अम्ल, ये तो आपका रासायनिक गुण हो जाएगा, अम्ल जो है प्रबल अम्ल संक्षारक प्रभृति के, ये सब हमने भौतिक गुण पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक, अम्ल के रासायनिक गुण। तो अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, ठीक। अच्छा ये बताइए धातु किसे कहते हैं? धातु आपका सोडियम आपका धातु हो गया, मैग्नीशियम आपका धातु हो गया, एल्यूमिनियम आपका धातु हो गया, तो ये सब धातु है आपके। धातु और अधातु वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। अभी आप केवल नॉर्मल एक या दो धातु जान लीजिए। सोडियम आपका धातु है, मैग्नीशियम आपका धातु है, कैल्शियम आपका धातु है। तो हमने क्या कहा, धातुओं से क्रिया। कोई भी आप अम्ल ले लीजिए, हमने ले लिया HCl अम्ल ले लिया, इसकी जब आप धातु से क्रिया कराएंगे, धातु का मतलब हो गया सोडियम हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया आपका, ठीक। तो ये सब आपका क्या है, धातु है। तो चलिए हम सोडियम ले लेते हैं, मान लीजिए Na हमने ले लिया, सोडियम ले लिया, धातु ले लिया। तो जब धातु से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या भाई, इसकी आपने क्रिया करा ली, ठीक। जब आप क्रिया कराएंगे तो देख रहे हैं यहां पे आपको मिल रहा है Na, यहां पे आपको मिल रहा है Cl, अर्थात ये दोनों, चूंकि आपको पता है कि नमक का फार्मूला NaCl होता है, अर्थात NaCl प्लस। इसके बाद देखिए आपके पास बचा क्या, आपके पास केवल H बचा, हाइड्रोजन बचा, ठीक। तो हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगी, तो जब भी कोई गैस बनती है तो H2 लिखा जाता है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, Mg2 मतलब मैग्नीशियम गैस। तो मैग्नीशियम चूंकि गैस नहीं है आपकी, तो इसलिए Mg2 नहीं होगा, ठीक। तो Cl2 क्लोरीन गैस, तो ये सब है, H2 गैस आपकी निकल गई। अब हम देख रहे हैं वहां H2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका H1 है, अर्थात यहाँ पे 2 कर देंगे तो H2 हो गया, वहां भी H2 हो गया, लेकिन यहाँ पे Cl2 हो गया, तो इसलिए यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ 2 कर देंगे, अर्थात अब रिएक्शन आपकी संतुष्ट हो गई। तो देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब धातु से क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है, हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। तो ये चीज है। अब जैसे देखिए, तो इसमें लिखे गए क्या धातुओं से क्रिया में, कि अम्ल, अम्ल की क्रिया जब धातुओं से कराई जाती है, हम क्या देख रहे हैं आपका क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। भाई अगर भी कोई दूसरी रिएक्शन लेते H2SO4 तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और Mg अगर हम ले लेते, मैग्नीशियम ले लेते, अगर ये भी आपका धातु है तो क्रिया करेगा क्या बनेगा आपको बताइए, Mg SO4 और प्लस H2, अर्थात हाइड्रोजन भी यहां भी हाइड्रोजन आपका निकल गया। उसी तरह आप कोई भी ले ले, चाहे जो ले ले, तो आपका जो है हाइड्रोजन निकलेगा, अर्थात हाइड्रोजन मुक्त होगा। हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले धातुओं की क्रिया हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि अम्ल
धातुओं से क्रिया करके, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद फिर आप ये दोनों रिएक्शन लिख देंगे। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि समझ में आया कि नहीं। मुकेश समझ में आ गया सर, आशीष समझ में आ गया, दीपक सर एक एग्जांपल और दे दीजिए। चलिए दीपक एक एग्जांपल आपको और दे देते हैं। तो जैसे H2SO4 है आपका, अगर आप H2SO4 की एक धातु ले लीजिए, मैंने जिंक ले लिया, हमने H2SO4 की जब आप जिंक से क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा क्या बताइए भाई। चूंकि हमने क्या कहा कि किसी भी चीज से आप क्रिया कराए आपका हाइड्रोजन बनना है, तो आप सबसे पहले हाइड्रोजन निकाल दीजिए। हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, हमारे पास बचा SO4 और ZN, अर्थात बचेगा क्या, ZnSO4। यह हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो आप इसके नाम भी याद रखिए। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला बताइए, या जिंक सल्फेट का फार्मूला बताइए, तो इसको आप लोग याद करते रहिए। तो ये आज हमने क्या पढ़ा कि धातुओं से क्रिया, ये आपके अम्ल की पहली रासायनिक गुण थी। ठीक, तो मुकेश आपने कहा था इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल और दे दिया, बताइए समझ में आ गया ना। तो हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है मुकेश। तो आगे हम लोग चलते हैं, जैसे दूसरी क्रिया, पहली तो हमने देखा क्या धातुओं से क्रिया, दूसरी हम देखेंगे क्या कि जब भी अगर धातु से क्रिया की है तो यह हो गया आपका, अगर आपको क्षार से क्रिया कराएं अम्ल का, ठीक, अम्ल के रासायनिक गुण में दूसरा अगर हम लोग क्या करें, क्षार के साथ क्रिया, अर्थात अम्लों की जब क्षार से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। अभी अभी हमने लवण की परिभाषा में बताया था कि अम्ल की क्रिया क्षार से जब कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इसमें लिखेंगे क्षार के साथ क्रिया में कि अम्लों की क्षार के साथ क्रिया कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इसको आप लोग लिख दीजिए, अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। तो जैसे अम्ल आप ले लीजिए HCl और प्लस क्षार आप ले लीजिए NaOH, जब इसकी आप क्रिया कराएंगे ये आपका हो गया अम्ल, ये हो गया आपका क्षार, तो आपका Cl और Na अर्थात NaCl, ये आपका क्या बन गया, लवण और प्लस जल यानी कि H2O। तो हम क्या देख रहे हैं, अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराई जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। कोई और एग्जांपल देख लीजिए, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है पोटेशियम क्लोराइड। चूंकि ये अम्ल है ये क्षार है, आप याद रखिएगा अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे तो हमको लवण और जल बनाना है। चलिए जल बना दीजिए आप पहले, तो जल आप बना देंगे तो अर्थात OH तो यहां है लेकिन यस यहां भी नहीं दिख रहा है। फिर देखिए आपको क्या बनेगा, MgCl, देखिए KCl नहीं होगा, ये कहां से आपका अम्ल बनेगा बताइए, यहां पर क्या यच दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये आपका इसको आप कर दीजिए H2SO4, आप लोग बोलते भी नहीं है। हाँ, अच्छा कमेंट किए हैं दीपक, कमेंट किए हैं, सर जी गलत लिख दिए। हाँ तो H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसकी जब क्रिया कराएंगे देखिए H2O आपने बना लिया, अब आपके पास बचा क्या, SO4 और Mg, यानी कि Mg, ठीक, MgSO4 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgOH का होल ट्वाइस हो गई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम संयोजकता 2 OH की 1, इसीलिए इसका इधर। अब देख लीजिए संतुष्ट है कि नहीं, आपके पास 2H है, 2H हो गया, ऑक्सीजन 2, 4, 2, 6
ऑक्सीजन 6 नहीं है, अर्थात आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लिख देंगे। जब आप वहां पे 2 लिख देंगे तो आपका हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, संतुष्ट हो गया। तो ये चीज था, आज हमने जो है क्या क्या देखा, आज हमने लवण की परिभाषा देखी और अम्ल के रासायनिक गुण में आज हमने 2 गुणों पर चर्चा करनी है। इसके आगे का हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और आप लोग अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। वीडियो लाइक किया कीजिए और नीचे अपना नाम लिख दिया कीजिए ताकि पता चले कौन कौन देखा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।